मेरा नाम रविकांत भारती। आप सभी को बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका गुनाह यह है कि वह इजराइल को कंडेम कर रहे थे और इजराइल के खिलाफ भाषण दे रहे थे। वह फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पे जो मासूम बच्चों का अस्पताल पे महिलाओं को जो कत्लेआम हो रहा है, उस कत्लेआम से उनका हृदय बहुत दुखित था और वह भाषण देते हुए इजराइल को खरी खोटी सुनाते हैं और वह कह देते हैं कि आज खामोशी है, कल शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। यह बात सलमान अजहरी इजराइल को टारगेट करते हुए उस भाषण में कहते हैं, लेकिन यही दो लाइन पीछे का शायरी में से काट के वायरल किया गया और बोला गया कि यह हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। और उसके बाद गुजरात एटीएस आया, इनको अपने घर पे नजरबंद किया 10 घंटे और उसके बाद गिरफ्तार करके महाराष्ट्र पुलिस के साथ गुजरात एटीएस इनको महाराष्ट्र के थाने में लेके गया और फिर महाराष्ट्र का थाना जो है वहां थाना से लेके यह लेके कहां चले गए, यह जूनागढ़ गुजरात के लिए इनको लेके प्रस्थान कर गए। अब मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो इजराइल को टारगेट किया था, क्या इसके पहले हिंदुस्तान में इजराइल को कोई टारगेट नहीं किया है? दोस्तों आपको बता दें, हमारे देश के एक महापुरुष है जो पूर्व प्रधानमंत्री है जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, वह इजराइल को ना भाषण देके उसकी औकात दिखाई और कहा कि अगर कोई विदेशी ताकत हमारा जमीन अगर छीनता है, इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार फिलिस्तीन का जमीन जब हम अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दूसरे के लिए भी नहीं। अगर फिलिस्तीन का जमीन इजराइल ने लिया है तो इजराइल को वह जमीन छोड़ना पड़ेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इजराइल का विरोध किया था। तो इजराइल का विरोध करना क्या गलत है? आप बताइए, क्या इजराइल जो है अमानवीय घटना नहीं कर रहा है? इजराइल जो है 2-4 वर्ष के बच्चों को मार रहा है। कल जो है एक बच्चा बंदूक के साथ, वो जो खिलौना वाला बंदूक प्लास्टिक का होता है ना, 4 वर्ष का छोटा सा मासूम बच्चा, उसके साथ खेल रहा था वेस्ट बैंक फिलिस्तीन में, वहां से उसको पूरा आर्मी पहुंचता है, उसके घर को ध्वस्त करने का प्रयास करता है और बच्चे को गिरफ्तार करके लाता है। इजराइल मासूमों पे अत्याचार कर रहा है कि नहीं, महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है कि नहीं? अभी तक गाजा पट्टी पे लाखों लोग मारे गए और पूरा विश्व मुख दर्शक बन के देख रहा है। यूनाइटेड नेशन, आपको बता दे दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे लोग वहां मदद करने गए थे, उनको मार चुका है। बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के कार्यकर्ता मारे गए, ये तो छोड़िए बहुत सारे पत्रकार मारे गए हैं। और इस तरह से इजराइल जो टारगेट कर रहा है, यह पूरे विश्व के मानवता, अगर आप मानव हैं तो उसके ऊपर कलंक है। और उसके खिलाफ बोलते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी ने इजराइल के लिए, अगर वहां के हुक्मरानों के लिए अगर कुत्ता शब्द का प्रयोग किया तो क्या गलत किया? वहां पे गलत कुछ नहीं किया, क्योंकि समझिए सलमान अजहरी से समस्या क्या है। यति नरसिंहानंद नामक कुकुर को तो आप लोग जानते होंगे, यति नरसिंहानंद सरस्वती नाम था उसका। जब नूपुर शर्मा का प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर बयान आया था तो यति नरसिंहानंद सरस्वती कहता है कि जो नूपुर शर्मा बोली है वह किताबों में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, मैं कुरान सीडी उडी सब लेके आ रहा हूँ जामा मस्जिद। 17 जून 2022 की बात है, 17 जून को इंडिया का कोई भी इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुफ्ती किसी में अगर हिम्मत है तो आ जाए और मेरे साथ डिबेट कर ले। उठाया सिर्फ एक बंदा आवाज उठाया और जिसका नाम था मुफ्ती सलमान अजहरी, और यह बोले कि मुझे चैलेंज कबूल है, मैं 17 जून को आऊंगा, तू किताब लेके आना, सीडी लेके आना और तू प्रमाणित करना। यह 17 जून को जामा मस्जिद दिल्ली पहुंचे, बहुत भव्य इनका स्वागत हुआ। यति नरसिंहानंद का इंतजार होता रहा, यति नरसिंहानंद भाग, वो पता नहीं वो दासना मंदिर से भी उस दिन भाग गया होगा, मुझे लगता है जामा मस्जिद आने की तो बात छोड़ी। उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे ट्रोल हुआ यति नरसिंहानंद और सलमान अजहरी की हर एक जगह तारीफ, क्योंकि यति नरसिंहानंद वही शख्स है कि जो आए दिन नरसंहार के लिए भाषण देता फिरता था, मुसलमानों के नरसंहार के लिए, उसको औकात दिखाया। आज यति नरसिंहानंद मार्केट से गायब है, क्यों गायब है पता है? क्योंकि हिंदू लोग भी जो होते हैं ना, यति नरसिंहानंद के चेले चपाड़े जो नकली नफरती, वे लोग भी देखते हैं कि अगर सामने वाले में दम नहीं है तो उसके साथ खड़ा नहीं होते, उसके साथ खड़ा होना छोड़ दिए, उसका वीडियो शेयर करना बंद कर दिए। यति नरसिंहानंद का आप बताइए, 17 जून 2022 के बाद एक भी वीडियो वायरल होता आपने नहीं देखा होगा। तो यति नरसिंहानंद का जो दुकान था ना, जो सोशल मीडिया पे नफरत की दुकान चल
आता था उस दुकान को बंद किसने किया? मुफ्ती सलमान अजहरी ने बंद किया। आगे दोस्तों आपको बताते हैं, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी सही में एक आतंकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है? क्या वह हिंसा को प्रमोट करता है? तो जाके उनके दो चार ना स्पीच सुनिए, उपदेश सुनिए। मोहम्मद साहब के जिंदगी से अच्छाइयों को खोज खोज के वह बताते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब ऐसे थे, वैसे थे, ये थे, वो थे। आप भी दूसरे का सेवा करिए, दूसरों के लिए जिए, अगर पड़ोसी भूखा रहे तो उसको खाना खिलाइए, अपने लिए क्या जीना। और इस तरह जो है प्रॉफेट मोहम्मद के मार्ग पे चल के पूरे मानवता की सेवा करने की बात ये करते हैं। जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मैं कह दूं, जो सुन रहे हैं लोग, जैसे हिंदू धर्म में कोई साधु सन्यासी होता है ना, अब नकली ढोंगी साधु की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो असली साधु जैसे देवरावा बाबा थे, त्रैलंग स्वामी 280 वर्ष तक जिए थे, वो बनारस में चलते थे तो उनको कहा जाता था साक्षात भगवान शिव है। इस तरह त्रैलंग स्वामी योगानंद थे, युक्तेश्वर गिरी थे, लहरी महाराज थे, अभी अग्रानंद महाराज जी जो छत्तीसगढ़ मिर्जापुर में है। ऐसे बाबा जो हिंदू धर्म में जो असली बाबा है ना, वे लोग भी जहां भी मानवता का हनन होता है, मानवता के ऊपर कोई अत्याचार होता है, उसके ऊपर बोलते हैं कि यह गलत हो रहा है और प्रेम सद्भाव को प्रमोट करते हैं। अब यह मुफ्ती साहब भी हमेशा इनका बयान सुनिएगा, बोलने का तरीका देखिएगा, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही विनम्र और बहुत ही अच्छी बातें मुसलमानों को सिखाते हैं। अगर इनके सिखाए हुए मार्ग पे मुसलमान चले और हिंदू धर्म के सच्चे साधु सन्यासियों को सिखाए हुए मार्ग पे अगर हिंदू चले तो हिंसा हो ही नहीं सकता, ये मैं रविकांत भारती गारंटी देता। अब इन्होंने जो शायर कहा है कि आज खामोशी है कल शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है कल हमारा दौर आएगा, क्योंकि इनकी भी मजबूरी समझिए, कोई व्यक्ति जो होता है ना, एक वरदान जैसे भागवत गीता में बोला भी गया है यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब उसका पूरा मतलब होता है कि जब भी जो गलत लोग हैं वो बढ़ जाते हैं और अत्याचार होता है तो भगवान प्रकट होते हैं। भागवत गीता यह भी बोलता है कि बहुत ज्यादा अत्याचार होने पे अगर लोग चुप रहे, सहते रहे तो वह गुनहगार है। तो ये भी यहाँ पे जो ये बात बोले, ये तो मासूमों के साथ फिलिस्तीन के अत्याचार हो रहा है, उस वक्त यह अपना आपा खो बैठे और इजराइल को टारगेट करते हुए, इजराइल को टारगेट करते हुए इन्होंने यह बात कहा और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई पीछे का दो लाइन देख के, यह हिंदुस्तान विरोधी या हिंदुस्तानियों को ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर इतिहास खंगालोगे तो पाओगे कि अटल बिहारी वाजपेयी भी, उन्होंने भी इजराइल को कहा था कि इजराइल की हिम्मत नहीं।